हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जो मैथ्स में ट्रिक्स बोलकर जो पॉइंट चलता है, जो अपने को जितनी भी अलग अलग टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, लाइक आप उसमें बैंकिंग का एग्जाम ले सकते हो, इंश्योरेंस का एग्जाम ले सकते हो, रेलवे की एग्जाम दे सकते हो, आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स होती है जहाँ पर मैथ्स के सब्जेक्ट अपने को आता है। इवन हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, भाई सीए फाउंडेशन का एग्जाम होता है, सीएस के एंट्रेंस होती है, यूपीसीसी सेट का पेपर होता है, स्टेट लेवल की कुछ एग्जाम्स होती है, या सभी एग्जाम्स में मैथ्स एक सब्जेक्ट ऑलमोस्ट एग्जाम्स में होता है, सिर्फ इसका वेटेज कम ज्यादा हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन एग्जाम, आप कौन सी एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम के हिसाब से उसका वेटेज बनता है। बट ये सभी एग्जाम्स का एक खासियत है, सभी एग्जाम में एक सिमिलरिटी अगर आपने देखा होगा, तो सभी एग्जाम्स में जब भी हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको पेपर या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो टाइम मिलता है, ये टाइम बहुत लिमिटेड होता है। एंड उसी लिमिटेड टाइम यानी कम से कम टाइमिंग में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैलकुलेशन फास्ट करना है, तो इसमें मैथ्स की कुछ ट्रिक्स होती है जो कि हम लोग वहाँ पर यूज कर सकते हैं। आइए हम लोग इस सेशन में आपको एक अगला पॉइंट, जैसे इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई नंबर सेम डिजिट को लेकर बनता है तो उसका स्क्वायर कैसे करना चाहिए, उसी के अगला पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर, नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 5 आता है, दैट इज स्क्वायर ऑफ अ नंबर व्हिच इज एंड विद 5, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पर 5 आता है तो वो नंबर का स्क्वायर किस टाइप से करना चाहिए, ये आज हम लोगों को डिस्कस करना है। चलो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना पॉइंट नंबर 1, एकदम सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो सबसे पहला काम, देखो यहाँ पर मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ 15 नंबर लिखा हुआ है, बराबर है। अब मेरे को अगर 15 का स्क्वायर करना है तो एक्चुअली होता यह है कि 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 ये अपन कर सकते हैं, आपको 15 का टेबल आ सकता है, कोई हरकत नहीं, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बट सोचिए, सपोज दोस्तों मेरे को करना है 145 का स्क्वायर, दैट इज 145 × 145, तो आप सोचिए ये मल्टीप्लीकेशन करने में आपको मैनुअली टाइम कितना लगेगा। सेकंड थिंग, एक कैलकुलेटर का ऑप्शन होता है, लेकिन अपने कोई भी एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, अपने कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो इन दैट केस ये 145 × 145 इसको मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम कितना लगेगा, और ये टाइम अपने को वहां पर नहीं मिलता है। अपने एग्जाम में अपने लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, तो आज कम से कम टाइमिंग में 2-3 से 4 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन खत्म कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो चलिए ध्यान से देखिए, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था 15 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, मेरे को 15 का स्क्वायर करना है तो मैंने सबसे पहला काम क्या रहेगा, जितने भी नंबर्स आते हैं ये नंबर में सबसे आखिरी में यूनिट प्लेस पर क्या दिया हुआ, ध्यान से देखना ये आखिरी में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो आपका सबसे पहला काम रहेगा 5 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो सबसे पहला काम आप राइट हैंड साइड में यहाँ पर 25 लिख लीजिएगा, ये आपका होगा स्टेप नंबर 1। एंड स्टेप नंबर 2, ये 5 के बाद यहाँ पर बचा कौन आपके पास, 1 बचा हुआ, कौन बचा हुआ, 1। तो 1 के बाद कौन आता है, सक्सेसिव नंबर, 1 के बाद आता है 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 को उसके बाद आने वाले नंबर से अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 × 2 कितना होता है 2, तो 2 आप यहां लिख लीजिए, ये आपका आंसर आ गया 225, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आगे चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखो, वहां पर नंबर लिखा है 25 का स्क्वायर। अब मेरे को 25 स्क्वायर करना है, नाउ 25 स्क्वायर करना है, इसका मतलब अगेन सेम केस, अपना सबसे पहले नंबर यहां कौन है 5, तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25। अब बचा कौन यहां पर 2, तो 2 के बाद कौन आता है 3, सो 2 × 3 कितना बनता है 6, तो यहां पर आप 6 लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया 625, 25 का स्क्वायर आ गया। अगली नंबर पर आइए, देखो नीचे दिया हुआ 35 का स्क्वायर करना अपने को। अब 35 का स्क्वायर करना, तो अगेन यूनिट प्लेस पर कौन दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर बनेगा आपका 25, 1 बचा कौन 5 के बाद यहाँ पर 3, सो 3 के बाद अगला नंबर कौन आता है 4 आता है, तो 3 × 4 कितना होता है 12, यहाँ लिख दीजिए, यह आ गया 1225, 35 का स्क्वायर आ गया। यस, आइए आगे बढ़ते हैं, देखो अगला नंबर दिया मेरे को 55, 55 का स्क्वायर करना है, अगेन सेम कंसेप्ट है दोस्तों, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब मेरे पास यहाँ पर बचा कौन 6, कौन बचा मेरे पास, सॉरी क्या बचा मेरे पास 5, सो 5 के बाद कौन आता है 6, तो 5 × 6 कितना होता है 30, तो 30 आप यहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया 3025। यस, है सिंपल, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए आगे और 2-3 क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करना। अब देखो यहाँ पर मैंने नंबर बढ़ा दिया 145 दे दिया,
अब देखिए सेम पैटर्न है, आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। मैंने सबसे पहले बोला था लास्ट कौन है यहाँ पर, फाइव। तो आप सेम पैटर्न फाइव का स्क्वायर, किसका, फाइव का स्क्वायर कितना होता है, फाइव का स्क्वायर 25। तो अपन यहाँ 25 लिख दीजिए, ये आपका 25 आएगा, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। स्टेप नंबर टू बोलती है जो बचा उसके अगले से मल्टीप्लाई करना है। अब ये फाइव के बाद दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पर बचा अपने पास ये 14, क्या बचा अपने पास में, ये 14 बचा हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 14 इंटू 15 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको मल्टीप्लाई करना है, 14 इंटू 15 दोनों को। अब देख लिए, अगेन एक चीज बैठ दोस्तों, ये 14 इंटू 15 आप ओरली कर नहीं सकते हो, आप एक काम और कर लो। एक चीज ऑलवेज ध्यान रखना, आप जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई, जब भी किसी दो नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, वो दो नंबर में से किसी एक नंबर का हाफ, एक नंबर का हाफ और दूसरे नंबर का डबल अगर आप कर लेते हो तो आपका आने वाला आंसर ये कभी चेंज नहीं होता। जैसे इस केस में देखो, मेरे को 14 इंटू 15 करने से भी एक सिंपल मैं काम कर सकता हूँ, 14 का हाफ कर लीजिए वो आता है 7 और 15 का डबल कर लीजिए वो आता है 30 और 7 इंटू कंपेरेटिवली 14 इंटू 15 मेरे को 7 इंटू 30 करना आसान है। तो 7 इंटू 30, 7 इंटू 3, 21 एक 0, 210 में है, लिख देता हूँ, मेरा आंसर आ गया 21025, क्या आ गया 145 का स्क्वायर, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं, 85 का स्क्वायर करना था, सेम कंसेप्ट है, 5 का स्क्वायर 25, बचा कौन यहाँ पर, 8, तो 8 के बाद कौन आएगा, 9, सो 8 इंटू 9 72, ये आ गया। यस, आगे बढ़िए, 105 दिया हुआ है, तो अगेन सेम पैटर्न, ये 5 का स्क्वायर 25, बचा कौन अब अपने पास, 10, तो आफ्टर 10 के बाद सक्सेसिव नंबर कौन सा आता है, 11 आता है, सो आपको करना है 10 इंटू 11 दैट इज 110, ये लिख दीजिए आपका आंसर आ गया। और आगे बढ़ते देखो, वरी क्वेश्चन, 245 दिया हुआ आपने, अगेन ये 5 का स्क्वायर 20। अब इसके बाद देखो, आपके पास बचा हुआ यहाँ पर 25, तो आप करोगे 24 बचा हुआ है, सॉरी 24 बचा हुआ है, सो 24 के बाद आता है 25, तो आपको 24 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करके वहां पर ऐड करना है। सो देखो अगेन दोस्तों, 24 इंटू 25 आप ओरली कर नहीं सकते, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको एक पॉइंट दिया था, दैट इज हाफ एंड डबल, आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें ध्यान से देखना, 24 का हाफ बनता है 12 और 25 का डबल बन जाएगा 50। 24 का हाफ क्या बनता है 12, 25 का डबल क्या बनेगा 50। अब ध्यान से देखो आप, इन दोनों का आंसर तो सेम ही आता है, तो ये 12 × 5 = 60 होता है, आगे का जीरो अलग से आएगा, तो आंसर क्या बनेगा इसका 600। तो आपका 25 का स्क्वायर बनता है, 245 का स्क्वायर बनता है 60025, ये रहेगा आपके क्वेश्चन का आंसर, है सिंपल। यस, देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, एक चीज ध्यान से, मैथ्स में जो ट्रिक्स होती है, जो लॉजिक्स होता है, ये लिमिटेड होता है, लेकिन इसका यूज ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, इसके एप्लीकेशन अनलिमिटेड है। आप इसको किस तरह से इसकी आप प्रैक्टिस करते हो, कौन से लेवल पर आप इसको यूज करते हो, उसके ऊपर इसे डिपेंड करता है। अब एप्लीकेशन यानी क्या, तो लॉजिक तो यही था, बट इसको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं, तो ये ध्यान से देखो, एप्लीकेशन के कुछ ऑप्शन हम लोग यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखना, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, मैं दो तीन मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिखा 82 मल्टीप्लाइड बाय 88, 76 मल्टीप्लाइड बाय 74 और 63 इंटू 67। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 94 मल्टीप्लाइड बाय 96। सपोज फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 44 इंटू 46। अब चलिए देखिए दोस्तों, अपने को ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब आप मेरे को बताइए, अपन ने जो पॉइंट डिस्कस किया था उसमें बोला था अगर आखिर में 5 आता तो स्क्वायर कैसे करना चाहिए, उसका और इसका क्या रिलेशन है? अब ध्यान से देखो, आप एक बार से बस फॉर अ सेकंड सोचिए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये पांच नंबर जो मैंने यहां पर लिखे, जो पांच आंसर अपने को फाइंड आउट करना है, ये आपको करना है दोस्तों, तो अप्रोक्सीमेटली आप इसके लिए टाइम कितना लगाओगे?
इट मे बी 2 मिनट्स 3 मिनट्स 4 मिनट्स, इट डिपेंड ऑन योर स्पीड. कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम आप लोगों को यहाँ लग सकता है अगर आपको लॉजिक पता नहीं है तो. बट देखिए एक सिंपल सा पॉइंट मैं आपको देता हूँ, अगर आप उसको यूज कर लेते हो तो अगेन विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड ये सारे के सारे कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से ओवरली कर सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेटर. ध्यान से देखना दोस्तों, अपन ने जो पॉइंट ऊपर डिस्कस किया था उसमें जैसा फॉर एन एग्जाम्पल सपोज मैंने लिखा 85 का स्क्वायर अप, 85 स्क्वायर इज नथिंग बट 85 मल्टीप्लाइड बाय 85. यस सर, अपन ने जितने भी कैलकुलेशंस ऊपर किए लाइक 65 75 35 45 55 जो भी स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड आउट किए, आपने अगर एक चीज ऑब्जर्व की होती की होगी तो ये स्टार्टिंग का डिजिट ये जो था ये ऑलवेज सेम था. जैसे 65 75 95 में 66, 65 में 66 था, 75 में 75 टू 75 आता है, 85 में 85 टू 85 आता है. यस सर, एंड लास्ट का जो डिजिट था दोस्तों ये ऑलवेज 5 सेम था, एंड ये 5 और 5 का टोटल 5 + 5 = 10 बनता है. तो मैं आपको एक थीम दे रहा हूं, अब ध्यान से देखो जिस तरीके से हम लोगों ने 85 का स्क्वायर फाइंड आउट किया है उसी तरह से ये सारे कैलकुलेशंस आपको करना है. आपने एक चीज ऑब्जर्व करना कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी, Whereas, इसमें ये जो बी और सी दिया है ये बी प्लस सी इसका टोटल होना चाहिए 10, बी प्लस सी का टोटल क्या होना चाहिए 10. यानी सिंपल लैंग्वेज है यूनिट प्लेस पर जो दो डिजिट्स आते हैं, यूनिट प्लेस पर जो दो डिजिट्स आते हैं उनका टोटल क्या होना चाहिए 10, यूनिट प्लेस पर जो दो डिजिट्स आते हैं उनका टोटल क्या होना चाहिए 10, एंड 10 प्लेस ये जो दो नंबर्स आते हैं ये दोनों के दोनों होना चाहिए सेम. ये क्या होना चाहिए सेम. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जिस टाइप से हम लोगों ने 85, 65, 95 के स्क्वायर्स किया उसी तरह से सारे कैलकुलेशंस आप कर सकते हो. अब देखिए अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना. जैसा यहाँ पर अपन ने जो ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें लाइक मैंने बोल दिया 75 का स्क्वायर, सो 75 स्क्वायर इज नथिंग बट 75 मल्टीप्लाइड बाय 75. तो आपको सबसे पहले बोला गया था 5 का स्क्वायर 25 है, लिख लीजिए. फ्रेंड्स मेरे को बताइए 5 स्क्वायर मींस एक्चुअली 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है. 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी सिंपली अपन ने यूनिट प्लेस को ही मल्टीप्लाई किया हुआ है. वही सेम कांसेप्ट आप यहां लगा लीजिए. यहां पर अपना सबसे पहला क्वेश्चन था 82 × 88. आप सबसे पहले अपनी कंडीशन वेरीफाई कर लीजिए, ये दोनों का टोटल 2 + 8 कितना होता है 10, कितना होता है 10. ओके, एंड ये दोनों स्टार्टिंग के डिजिट्स क्या आपके सेम, आपका कंडीशन अप्लाई हो रहा है. तो सिंपल लैंग्वेज में आप सबसे पहला काम करोगे 8 × 2, ये लास्ट दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 8 कितना होता है 8 × 2, तो 16 यहां लिख दीजिए. यस, स्टेप नंबर 2 आप बचा कौन 8, सो आफ्टर 8 के बाद कौन आता है, 8 के बाद कौन आता है 9 आता है, तो 8 के बाद जो 9 आता है वो 9 से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 × 9 कितना होता है 70, तो आपका आंसर आएगा 7216, एकदम सिंपल. आइए अगले नंबर पर, 76 × 74 आपको दिया हुआ है, तो अगेन 74 × 76 अगर आपको करना देख लीजिए, ये 6 और 4 इन दोनों का टोटल, 6 और 4 का टोटल कितना होता है 10, तो अगेन आपका सिंपल सा कांसेप्ट है 6 × 4 यहां लिखोगे आप 24. यस, और ये 24 क्या था वहां पर बचा कौन आपका 7, ये क्या दोनों सेम, तो 7 के बाद आता है 8, तो 7 × 8 = 56, आंसर आएगा 5624. अगले क्वेश्चन पे ये यूनिट प्लेस पर 7 और 3 दिया हुआ, इन दोनों का टोटल 10 बनता है, तो अगेन वही सेम काम 7 × 3 = 21 आप यहां लिखोगे. अब यहां पर बचा है 6 जो कि सेम है, तो 6 के बाद कौन आता है 7 आता है, तो 6 × 7 = 42, तो आपका आंसर आएगा 422. आगे आइए 94 × 96 दिया हुआ, अगेन 4 और 6 इन दोनों का टोटल आता है 10, तो आप करोगे 6 × 4 = 24, एंड 9 के बाद कौन आता है 10, तो 9 × 10 बनेगा 90. अगेन आ गया ये 44 × 46 दिया हुआ है, ये 4 और 6 का टोटल बनता है 10, तो 6 × 4 यहाँ आ गया 24, एंड 4 के बाद कौन आता है 5, सो 4 × 5 = 20. यस यस, अब ये होगा सिंपल सा. अब देखिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते, देखो ये तो और एक पॉइंट अपन ने उसी के ऊपर बना हुआ है. अब देखिए दोस्तों सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ कि मान लो आपको एक मल्टीप्लिकेशन करना, दैट इज 23 × 88, आपको इसको मल्टीप्लाई करना, आप कैसे करो. देखिए दोस्तों मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था एप्लीकेशन पर ध्यान देना है,
है, लॉजिक लिमिटेड है, एप्लीकेशन अनलिमिटेड है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से यूज कर सकते हो। अब अगर मैंने अभी जो आपको दो पॉइंट दिए, देखो मेरे लॉजिक को भी अगर आप मिक्सअप कर लेते हो तो नए लॉजिक और बनते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा 23 and 88, अब देखिए 23 into 88 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए आपके पास में या तो आपको 23 और 88 दो में से किसी एक का टेबल आना चाहिए, तो ये आसानी से आप काम कर सकते हो। दूसरा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था जब भी किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो एक का हाफ और दूसरे का डबल कर लीजिए, आंसर चेंज नहीं होता है। अब दोस्तों देखो, अगर आप वो पॉइंट है यूज कर लेते हो, लाइक मैं 23 का डबल कर लेता हूँ, ये 46 बन जाएगा और 88 का हाफ मेरा 44 बनता है, तो मेरा 23 into 88 का आंसर एंड 46 और 44 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या आने वाला है, सेम। और ये जो सेकंड लिखा हुआ है 44 into 46, इसमें हम लोग अभी अभी जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था यूनिट प्लेस का टोटल 10 देख लीजिए, 6+4 इन दोनों का टोटल 10 बनता है एंड 10 प्लेस पर स्टार्टिंग का डिजिट 44 क्या है आपका, सेम। तो अपना इसके पहले वाला जो लॉजिक अभी अपन ने डिस्कस किया था वो हम लोग यूज कर सकते हैं, आप अभी इसमें अप्लाई कर लीजिए। तो बोलिए यूनिट प्लेस पर कौन है, 4 into 6 ये बनता है 24 एंड 10 प्लेस पे कौन था 4, 4 के बाद कौन आता है 5, सो 4 into 5 कितना बनेगा 20, तो आपका आंसर आ गया 2024। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप इस टाइप से वर्क कर सकते हैं। यस सर, अगेन थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखो। सपोज मैंने लिखा 46 into 88 दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई, अब इसमें मेरा हाफ एंड डबल भी काम नहीं करेगा, तो इधर मेरे पास मैं 46 से 88 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, या तो फिर मैं 88 से 46 को मल्टीप्लाई करूँ, बट इन बोथ दी केसेस जो टाइम लगना है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन कन्वर्ट करना है 46 into, इंस्टेड ऑफ 88 मैं लिखता हूँ 44 into 2, चलेगा? यस सर, सिंपली 88 को स्प्लिट कर दिया, 88 की जगह 44 into 2 मैंने लिख दिया। Yes or no? Now, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करते समय क्या करूंगा, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ और इंटू टू कर लेता हूँ, मैंने मेरा आंसर डबल करना है। अब ध्यान से देखो, 44 into 46 अगेन जो ऊपर आंसर आया था वही आंसर आएगा 2024, इंटू क्या बचा 2, अब इंटू 2 कर लो आंसर डबल हो जाएगा 4048, तो आपका आंसर क्या बनता है 4048, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए दोस्तों, आपके पास लॉजिक लिमिटेड रहेंगे बट ओवर अ पीरियड जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के थ्रू बहुत से ऐसे नए नए लॉजिक आपके सामने आ सकते हैं। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से सोचते हो तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो आप खुद से डेवलप कर सकते हो, सिर्फ दोस्तों आपका ऑब्जर्वेशन सही होना चाहिए। मैंने इसके पहले भी आपको बोला था कि ऑब्जर्वेशन पर ही सारा काम डिपेंड करता है, सही तरीके से ऑब्जर्व करो, सही तरीके से प्रैक्टिस करो, ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स है जो आप खुद से डेवलप कर सकते हो, ध्यान से। और आगे बढ़ते हैं, अब देखो अभी तक मैं आपको बोलता था इसी को और आगे मॉडिफाई करते हैं हम लोग। मैं आपको बोलता था यूनिट प्लेस का टोटल 10 आता है तो लॉजिक हम लोग यूज कर सकते हैं, ये सब, बट अगर सपोज वो 10 नहीं आता है तो ध्यान से देखना, और एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ 73 into 78, अब देखिए दोस्तों मेरे को 78 into 73 करना है इन दोनों भी केसेस में, मेरा 7 इनिशियल स्टार्टिंग का डिजिट तो सेम, लेकिन जो आखिरी के दो डिजिट मैंने लिखा था वो एक जगह लिखा हुआ है 7, एक जगह लिखा हुआ है 8, ये दोनों सेम है, सॉरी ये दोनों का टोटल 10 बनता है, नहीं बनता है, यहाँ पर 3 और 8 इनका टोटल बनता है 11, मेरे को क्या चाहिए था 10, तो मेरा लॉजिक यहाँ काम नहीं करता। सो मैं एक काम कर लेता हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट करता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, 73 मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट ही बोल सकते हैं हम लोग, मैं 78 को 77+1 ऐसा लिख देता हूँ, चलेगा, सेम है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब बताइए दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व करना क्या करना चाहिए, तो हम लोग सबसे पहला काम 73 से 77 को मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों 73 इंटू 77 करना बहुत आसान सा काम था जो अभी अभी हम लोग करता है, 7 इंटू 3 आपका 20 बन जाएगा, 7 के बाद 8 आता है, 7 इंटू 8 56 बन जाएगा, यस और नो? Yes, no. अब बचा कौन 73 into 1, वो 73 है लिख दीजिए, इनके एडिशन आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, 1+3 4 बनेगा, 2+7 9 बन जाएगा, ये 6 और ये 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। आसानी से दोस्तों देख ले, 2-3-4-5 सेकंड अगर आपको मिलते, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, कहीं 4 सेकंड, कहीं 5 सेकंड, कहीं 7 सेकंड, हार्डली मैक्स टू मैक्स कुछ भी आ जाए तो 5-7 सेकंड के ऊपर आपको टाइम कहीं नहीं लगने वाला है,
बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस, कुछ समझ में आ रहा है? yes. तो देखो दोस्तों, इसी तरह से आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। ट्रिक्स पढ़ते समय बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अनलेस एंड अंटिल जब तक कि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, परफेक्शन नहीं आएगा, ना ही आपको एग्जाम ये सब चीज याद आने वाली। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद ये हर चीज के ऊपर दो दो चार चार पांच पांच क्वेश्चन आप बनाइए खुद से और उसको सॉल्व कर। अनलेस एंड अंटिल जब तक कि आप इसको दोस्तों प्रैक्टिस नहीं करोगे, यूज टू नहीं होगे, आप ये सारी चीजों को यूज नहीं करोगे, ये सब चीजें आपके काम में एग्जाम में नहीं आने वाली। इसको और एक चीज ध्यान रखो दोस्तों, क्वेश्चन कोई भी हो जाए, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो अपने पास जितने लॉजिक्स होते हैं वो क्वेश्चन को अपने लॉजिक के हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिए। क्वेश्चन कन्वर्ट होते हैं, आपको सिर्फ करते आना चाहिए। अगर सही तरीके से क्वेश्चन को आपने अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया तो बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, ध्यान रखना। यही एप्लीकेशन में एक पॉइंट आपको मैं और बता देता हूँ, देखो कि बहुत से एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने एक क्वेश्चन आपको बना दिया, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल 224.5 स्क्वायर प्लस 73, और मैं इसको 7.3 इंटू 7.7 प्लस 400, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो दोस्तों, दिखने में थोड़ा सा भारी लगता है बहुत आसान। यहां पर सबसे पहले 245 का स्क्वायर कर लीजिए, पॉइंट का हिसाब बाद में कर लेना। 5 का स्क्वायर 25 बनता है, बचा 24 के बाद 25 आता है, हाफ एंड डबल लगा लू तो 24 का हाफ 12, 25 का डबल 50, 12 5 60, यहाँ पर 600 लिख दिया मैंने। अब मेरे को इसमें पॉइंट लगाना था तो पॉइंट में दो फिगर के बाद लगा देता हूँ, प्लस आपको करना है 73 into 77। ये 73 into 77 कर लो, 7 3 21, 7 8 56, और पॉइंट लगेगा इन दोनों के बाद, तो यहाँ पर लिख लीजिए 56.21। अगेन प्लस क्या दिया हुआ 400, वैसा लिख लीजिए 0.0, और इसका एडिशन करना था, आसान सा काम था। 5 + 1 6 बनता है, 2 + 2 4 बनता है, यहाँ पर आएगा 6 5 6 + 4 10, तो आपका आंसर आएगा 1056.46। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस, और ऐसा बहुत सी बार होता है, हम लोग जो एग्जाम्स देते हैं अपनी एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर बनते हैं। ये सब सिर्फ आपको सही तरह से वो लॉजिक टाइम पर याद आना चाहिए, और लॉजिक दोस्तों आपको तभी याद आएगा अगर आप इस प्रैक्टिस करते हो। तो मेरा एक पॉइंट ध्यान रखना, आप इसका जितना हो सके, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो उतना आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए ओवर अ पीरियड। ये बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से सारे कैलकुलेशन आपके हो सकते हैं। यस, यही बात समझ में? यस, ओके, चलो ठीक है। देखो ऐसे लॉजिक दोस्तों इसके बहुत सारे बनेंगे। अगला पॉइंट हम लोग फिर से अगले नए वीडियो में नया पॉइंट फिर से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप जितना ज्यादा लाइक करोगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे, मैं उतना ही मोटिवेट होगा, और इसी इस तरह से अगला वीडियो जल्दी आपके सामने आएगा। इसमें और एक आधे नए पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे विद एप्लीकेशन। दोस्तों आप देखो, वीडियोस बहुत सारे देखते हो, लेकिन सिर्फ वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पर, लेकिन आपको वीडियो के ऊपर सिर्फ लॉजिक मिलते हैं, उसके एप्लीकेशन नहीं मिलता है। मैं आपको लॉजिक के साथ साथ इसके सारे एप्लीकेशन भी दूंगा, तो एक लॉजिक आप चार अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, कैसे यूज करना है ये सारे डिटेल मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। यस, तो चलो ठीक है, आज के लिए थैंक यू।